फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इडली से एक बहुत ही अच्छी रेसिपी बनाना सिखाऊंगी, जिसे आप स्नैक्स के रूप में ले सकते हैं, आप इसको ब्रेकफास्ट में ले लीजिए, इसको कभी भी आप इसको बना के खा सकते हैं। जैसे कभी आपके घर में एक्स्ट्रा इडली बच जाती है, या आप इसको स्पेशली पहले इडली बनाइए और फिर इस रेसिपी को बनाइए, तो और भी ज़्यादा ये टेस्टी बनेगी। कि जितनी ज़्यादा आपकी इडली फ्रेश रहेगी तो ये उतना ही अच्छा टेस्टी बनेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनती है ये चाइनीज़ चिली इडली। और प्लीज़ चाइनीज़ नाम से आप डर मत जाइएगा, ये अपनी शुद्ध देसी इडली है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनती है ये। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इडली के लिए 1.5 कटोरी सूजी ली है, जिसमें कि 1 कटोरी दही मिला दी है। दही भी आप पानी भी मिला सकते हैं, क्योंकि हमारी बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए। और आपके पास यदि दही नहीं है तो आप बटर मिल्क जो छाछ होता है उससे भी बना सकते हैं, उससे भी इडली के टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता है। अब हमने यहाँ पर 1 चम्मच नमक मिला दिया है। अब मैं इसको ढक करके कम से कम 15-20 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख दूंगी। ये मेरे 15-20 मिनट हो चुके थे। अब मैंने एक इनो का पैकेट लिया है, जिसमें कि 1 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें इनो मिला दूंगी। यदि आपके पास इनो नहीं है तो आप खाने वाला सोडा भी मिला सकते हैं, 1/4 टीस्पून उसमें मिला दीजिए सोडा। अब यहाँ पर मैंने इडली के जो स्टैंड है, उसकी ट्रेज है, उसमें इस तरह से कोई भी कुकिंग ऑयल जो होता है उसके इस तरह से ड्रॉप डालेंगे, और इसको मैं इस तरह से ग्रीसिंग कर दूंगी, जिससे कि जब हमारी इडली बने तो वो उसमें चिपके नहीं। अब जो हमारा ये बैटर बना हुआ है वो हम इनमें ट्रेज में डाल देंगे। अब मैंने एक साइड गैस में इडली स्टैंड में पानी डालकर उस स्टीम के लिए रखा हुआ है। अब ये ट्रेज हम उसके अंदर रख देंगे और 10 मिनट के लिए इन इडली के लिए स्टीम देंगे। ये दोनों ट्रेस मैंने इसके अंदर रख दी है और इसको कवर लगा कर बंद कर दिया है। अब ये हम कम से कम 10 मिनट के लिए रख देंगे। ये देखिए मेरे 10 मिनट हो चुके थे। मैंने उसमें से इडली निकाल करके उसके इस तरह से एक एक इडली के चाचा पीस कर दिए थे। और ये अब हमने यहाँ पर कुछ सब्जियाँ ली हैं, जिसमें कि चॉप्ड अनियन, लाल और हरी शिमला मिर्च, गाजर, कुछ ब्रोकली और हरी मिर्चें हैं। अब यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है। अब सबसे पहले मैंने ये लाल और हरी शिमला मिर्च इसमें डाल दी है और ग्रीन चिलीज भी इसमें डाल दी है। इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम को हाई ही रखिएगा। अब मैंने इसमें ब्रोकली और ये जो हमारे गाजर हैं वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। हमको ये हल्के सौते ही करना है, क्रंची रखना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखना है वेजिटेबल्स को। हाई फ्लेम में ही बनाएंगे इनको। ये मेरे हल्के से ये फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसमें ये अनियन भी ऐड कर दूंगी। ये भी हम अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। गैस की फ्लेम हाई रखकर आप कंटिन्यूसली चलाते रहिए बीच बीच में। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा सॉल्ट मिला रही हूँ। नमक आप कम ही मात्रा में रखिएगा, क्योंकि हमने इडली में भी नमक डाला है और हम सोया सॉस वगैरह भी इसमें ऐड करेंगे, तो उसमें भी वो भी सॉल्टी होता है, तो थोड़ा नमक की मात्रा कम ही रखिएगा। अब ये मैंने यहाँ पे भी 1 टीस्पून के करीब सोया सॉस और 1 टीस्पून के करीब मैंने विनेगर मिला दिया है। 1 टीस्पून के करीब ही इसमें मैंने टमाटो सॉस भी मिला दिया है, चिली टमाटो सॉस है ये। इसको हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। अब जो हमारी इडली है जो हमने कट कर रखी है वो भी मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। अब हम इनको सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर इसको अच्छे से इसकी इडली में कोटिंग हो जाए, इसलिए अच्छे से इसको मिक्स करना है। तो बस ये हमारी चाइनीज़ चिली इडली तैयार है। ये बहुत ही खाने में टेस्टी होती है,
चटपटी होती है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी, जरूर ट्राई करिएगा। तो चलिए